नमस्कार, मेरा नाम शिशिर वर्मा है। जैसे कि हर मंगलवार मैं एक वीडियो रिलीज़ करता हूँ। इस्लाम मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जितना मैं इनको जानता जा रहा हूँ उतना मेरे को इसके बारे में और ज्ञान भी मिलता जा रहा है। मैं इस्लाम को बहुत ही विजनरी धर्म मानता हूँ। ना मैं हिंदू को मानता हूँ, ना मैं हिंदुज़म, ना मैं क्रिश्चियनिटी को मानता हूँ, लेकिन इस्लाम को मैं विजनरी धर्म इसलिए मानता हूँ क्योंकि इस्लाम जो है वो जानता है कि कैसे इस धर्म को बढ़ाना है। 1400 साल में वो इतने डोमिनेटिंग होते जा रहे हैं, और हिंदुस्तान में या भारत में या इंडिया में ये इस्लाम कैसे प्रचलित है, या ये अगल बगल को अगर देख लो तो ये 55 करोड़ की आबादी है जो आसपास रहने लगी है, जो जिसमें कि करीब 23 करोड़ पाकिस्तान है, 15 करोड़ बांग्लादेश है, 9 करोड़ करीब अफगानिस्तान है, और अब 25 करोड़ करीब हिंदुस्तान में भी रह रहे हैं। तो ये मुसलमान जो हैं वो इस्लाम को मानते हैं, और इस्लाम जो है वो 5 जो पॉइंटर्स उस पर चलता है, जिसमें पहला है वो है कुरान, दूसरा है कब्ज़ा, तीसरा है कब्र, चौथा है क्लेम करना, और पांचवा है कन्वर्शन। तो जो जो वसीम रिजवी, जो जितेंद्र नारायण त्यागी जी हैं, जो बाद में हिंदू हो गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी कि कुरान से 26 आयतें जो हैं वो डिलीट की जाए, हटाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस पर ही 1,00,000 रुपये का जुर्माना निकाल के इसको हटा दिया। किसकी दम है कि कुरान के ऊपर कुछ बोल सके? जुडिशरी पे दम है क्या बोल रही? किस में दम है जो बता सके कि आपके में कुरान में लिखा हुआ है मारो, काफिर को मारो? आप कौन बताएगा, कौन बोलेगा ये बातचीत? जिस धर्म में ये लिखा हुआ हो कि आप उसको मार सकते हो, जिस धर्म में ये बात लिखी हुई हो कि कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे उसको कब्जा करना है, तो कुरान जो है वो अरेबिक में लिखी हुई है, और जितने मौलवी या मदरसे में रहने वाले लोग हैं बच्चों को, वो कुरान जो है वो रटाते हैं, समझाते नहीं हैं, उसको रटाते हैं ताकि उसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं, उसको रटा दो कि भाई ये कुरान है और उसके पे हाथ रखा करो और तुम्हें ये करना है, और मुसलमान उसको फॉलो करने लगता है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि कुरान में अगर ये लिखा हुआ है कि क्या करना है, तो वो सबसे पहले मुस्लिम शासक जो हिंदुस्तान में, उनका 800 साल का इतिहास देख रहा था, ये सबसे पहले कब्ज़ा करते हैं। कब्ज़ा करने का कि इन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान को मारने के लिए, हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए, इन्होंने काशी में, अयोध्या में, जहाँ पर हिंदुओं की जो उनकी जो मेन शाखाएँ हैं, जहाँ से हिंदू धर्म जो है वो फ्लरिश किया हुआ है, उन पर इन्होंने अटैक करा है, और उनका सबसे पहला काम रहता है कि वहाँ मस्जिद बनाऊँ। तो ये क्या करते हैं कि हिंदू मंदिर में जाके तोड़ ताड़ो, और तोड़ने के बाद वहाँ पर कब्र बना के अपने आप को गड़वा दो, या अपने कोई भी उसे गड़वा दो। अकबर में, सिकंदराबाद में, शाहजहाँ ने, वो तेजो महल है जो ताजमहल है उसमें, और ओशन शाह, अगर आप मांडू में जाएंगे तो वहाँ पर उसने ताजमहल की एक रिप्लिका बनी हुई है, वो भी 500 साल पहले बनाई हुई है। ओशन शाह का वहाँ पर मकबरा है वहाँ पर मांडू में, या ना आप अगर कुतुब मस्जिद जो जो बना हुआ है कुतुब मीनार के बगल में, तो जितने आप ये देखते हो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। ये धर्म भी बहुत स्मार्ट है, मंदिर में कब्र बना दो तो हिंदू बेचारा जो है जो मंदिर में ईश्वर की पूजा करता है वो छोड़ देगा, तो आपका क्लेम हट जाएगा। तो ये कब्जा करता है, उसके इसको क्लेम में डाल देता है, और फिर ये इसके अंदर आप केस करते रहो। जो ज्यूडिशरी वो तो सो रही है, 500 साल में उसने फैसला दिया राम मंदिर का। तो ये आपको लगता है कि 100 साल 150 साल में ये फैसला देने वाले हैं? तो ये डेमोक्रेसी के 3 विंग्स हैं, या 3 पिलर्स कहते हैं। एक है जुडिशरी, वो कभी ज़िंदगी में 200-250 साल के पहले फैसला नहीं देती, और या देती भी तो इतना मुश्किल से देती कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जो लेजिस्लेटर है, जो कानून बनाता है, वो जान, उसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो मुसलमानों का वोट लेने के चक्कर में रहते हैं, तो अगर कोई भी जगह पर कुछ भी क्लेम है उससे उनको कोई मतलब नहीं। ये इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी शासन में है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, ये सभी एक नंबर के बदमाश हैं। जब तक कि कॉमन आदमी नहीं चिल्लाता है तब तक इन लोग पे कोई मतलब कानों में जू नहीं देखती है। तो ये भी इसमें अंदर बदमाशी करते हैं। फिर आता है इनका कन्वर्जन। तो अगर आप देखो कि जितने इंडिया में एक्टर्स हैं, शाहरुख खान को ले लें, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लूँ, लेट इरफान खान को लेकर चलूँ, आमिर खान को देख लीजिए, कबीर खान जो जिसने ये 83 या जिसने पहले बजरंगी भाईजान बनाए, सब हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं और उनके बच्चे पर वो हो जाते हैं। तो ये बहुत सटल तरीका है, चुपचाप करते चले जाओ, जितना है चलते चले जाओ और कन्वर्ट करते चले जाओ, और इसी कारण से ये फ्लरिश भी करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बात क्यों रखना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें, कि विलियम मोयर ने एक बुक लिखी है बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद,
जो पहला मूर्ति तोड़ है वो कहते हैं काबा या मक्का में, जो अकॉर्डिंग टू उसकी बुक है बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद, उसमें वो लिखा हुआ कि वो 360 मूर्तियां थी जिनको इन्होंने काबा बना के इसको कवर करके रखा हुआ है, उसको भी इन लोगों ने बैठ के काबा में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो तो मदीना में था, मक्का से तो मोहम्मद को पैगंबर को भगा दिया था लड़ाई झगड़ा करके, तो वो तो लौट के मदीना से जब लौट के आया, और आज के बाद से उसके बाद से फिर वो उसको फॉलो करने लगे। तो ये बात मैं अपने सारे हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूँ कि कुरान इज द मेन रीजन ऑफ इस्लाम फ्लरिशिंग एंड ऑल्सो फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदूज, पॉइंट नंबर वन। दूसरा वो आप ये समझ लीजिए कि हमारे सारे मंदिरों को उन्होंने कब्जा कैसे करके रखा हुआ है, इन्होंने सब जगह पे अपनी कब्र बना दी और कब्र बना के वो मंदिरों को तोड़ ताड़ दिया। इसका कोई तरीका नहीं, ना जुडिशरी के पास, ना लेजिस्लेटर के पास, ना प्रेस के पास, ना एग्जीक्यूटिव के पास। तीसरा वो उसके ऊपर क्लेम रखा हुआ, किताबें रखी हुई है, और उसके जितनी किताबें लिखी हुई हैं जो आप मॉन्यूमेंट्स पे ये देखते हो ना, ये सब उनके शासन के समय उनके यहाँ पर जो दरबारी थे उनसे लिखवाई गई है। तो उनकी तारीफ में इतने ऊटपटांग चीजें लिखी गई, इतनी लिखी गई है, दिन जिंदगी भर तो ये युद्ध करते रहे, तो ये कभी आर्किटेक्चर या ये कभी कुछ कुछ बना ही नहीं सकते थे, इनके पास टाइम ही नहीं रहता, लेकिन उन्होंने लिख लिख के उसको बना के और अपने आप पैसे लेके, और वो आज जो है अबुल फजल से लेकर जो अकबर का जो दरबारी से लेकर बदायूं से लेकर जितने ये लोग हैं रिश्ता से लेके, ये सब बदमाश महान नंबरी बदमाश ये है, और सबने पर्शियन में लिखी हुई है, इन्होंने हिंदुओं की ऐसी तैसी करी हुई है। तो 75 ईयर्स में मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि पहले भी होता था, हमको यानी कॉमन मैन आम आदमी को, हमारे ऐसे आदमी को ये बात डालनी पड़ेगी, जुडिशरी पे प्रेशर डालना पड़ेगा और सब पर कि भैया अपने मंदिरों को क्लेम करिए और उनको रिकन्वर्ट करिए मुसलमानों से हिंदुओं में, ये आपको करना पड़ेगा और उनको लाना पड़ेगा मेन स्ट्रीम में, नहीं तो ये फ्लरिश करता चला जाएगा और एक दिन ये हो जाएगा कि हिंदुस्तान में जो थोड़ा बहुत एरिया बचा हुआ है वो भी चला जाए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।